जय जय राम, जय सियाराम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। सभी समस्याओं का समाधान जो है डांट कर नहीं किया जा सकता। यदि किसी समय कुछ काम करवाना हो, समझाना हो, हर चीजों को डांट करके नहीं उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। कभी कभी उसे प्यार से समझा करके भी उसे रास्ते पर लाया जा सकता है। एक पिता की कहानी है, एक पिता और बेटी की कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है। एक पिता जिसको बहुत सारी मन्नतें करने के बाद उसकी एक बेटी थी, उसके पास किसी भी प्रकार की धन धान की कमी नहीं थी, वह सेठ था, लेकिन वह अपनी बेटी से बहुत ही अथाह प्रेम करता था। सेठ और सेठानी क्या तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि इतनी मन्नतें करने के बाद उनको एक बेटी प्राप्त हुई है। अच्छा, पिता के लिए बेटा और बेटी, माँ बाप के लिए जैसे भी हो, गोरे हो, काले हो, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है। बेटा बेटी जैसे भी हो, माँ बाप तो उसे अथाह प्रेम करते, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बच्चों से प्यार करिए, बहुत ही लाड़ प्यार करिए, बहुत करिए, लेकिन इतना प्यार मत करिएगा कि उसका भविष्य जो है खतरे में पड़ जाए। बेटियों से प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन बेटियां जो है ससुराल में जा करके वही प्यार नहीं पाते तो ससुराल जो खराब हो जाता है। लेकिन 90% ससुराल खराब नहीं होते हैं। आजकल का जो देखा जाए तो छुट्टा छुट्टी तलाकनामा बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। 90% ससुराल खराब नहीं होते हैं, 90% हमारी बेटियां ही खराब होती हैं। इस वजह से हम अपने बेटियों को इतना प्यार नहीं करें कि वह ससुराल में जाकर के उसका घर ही उजड़ जाए, उसका भविष्य जो है खतरे में पड़ जाए। लेकिन वह पिता अपनी बेटी से अथाह प्रेम करता था, उसके एक इशारे पर हर चीजें वह ला देना था, उसके बिना कुछ कहे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी को ये चीजें जरूरत है, उसके बिना कहे ही वह उसके पहले ही ला देता था, उसके मांगने से पहले। अरे मांगना हो तो भगवान से मांगो, लेकिन वह पिता अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। वह बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके पिता के लाड़ प्यार ने इतना उसे बिगाड़ दिया, युवा जो है लाड़ प्यार में करते करते वह लड़ंका हो गई। किसी के बातों का तुरंत जवाब देती, 8 बजे सोकर उठती, उसके बाद से खाना खाती, 10 बजे ब्रश करती, 12 बजे नहाती, जब मर्जी आए वो करती। अगर कोई कुछ उसे बोल देता कि बेटी ऐसा मत करो, तुरंत उसका जवाब देती। वह किसी के बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तुरंत उसका जवाब रिप्लाई दे देती। वह सहनशीलता बिल्कुल ही नहीं थी, सब खत्म हो गया। एक बार माँ ने कहा कि देखिए आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही है वह बहुत अधिक बिगड़ती जा रही है, उसके स्वभाव में देखो कितना अधिक बदलाव है, किसी के बातों को 1% भी सहन नहीं कर रही, उसका खींचना, उसका गुस्सा करना, ये बहुत ही बुरा हो रहा है। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो बेटियां जो होती है ना, बेटियों का गुस्सा, बेटियों का खींचना, ये सब माँ बाप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल में नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता है। तुम्हारी गलतियों को तो पीहर में बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जब वही बेटियां ससुराल में जाती हैं और उसी गलतियां जो वहां पर भी दोहराती हैं, वहां पर वे लोग बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं और उसका घर उजड़ जाता है। माँ कहती है पिताजी से कि देखिए बेटी बहुत बिगड़ गई है। पिताजी कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे बेटी बड़ी हो जाएगी सुधर जाएगी। और एक समय ऐसा भी आया कि वह बेटी जो काफ़ी बड़ी हो गई। जब बेटी बिगड़ जाती है तो माँ बाप का एक ही सपना होता है कि जब बेटियाँ घर में बड़ी हो जाती हैं तो उनका सपना है कि मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए, उसकी अच्छी घर में शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, क्योंकि बेटियां तो पराया घर की होती हैं। उसके पिता ने सोचा कि हाँ क्यों ना अपनी बेटी का शादी किसी अच्छे खास घराना में, खूब अच्छे खानदान में करें। उस पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा रिश्ता दे करके अपनी बेटी की शादी कर दी। पिता ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। जैसे ही 8 दिन ही गुजरते हैं और बेटी ससुराल चली जाती है। ससुराल चले जाने के बाद 8 दिनों बाद बेटी का अचानक फोन आता है, पिताजी
अत क्या हुआ बेटी, कैसी हो? अरे कैसी हूँ, मेरी हालत मत पूछिए, क्यों ठीक नहीं है? नहीं कुछ नहीं पिताजी, यहाँ पर तो सब बिल्कुल ही खराब है। आपने एक कैसी जिंदगी मेरे को कर दिया, मेरे को नरक में ला कर के आपने फेंक दिया। क्या बात कर रही हो बेटी जी, ये नरक है? बेटी ने धमकी दिया, पिताजी आप जैसे भी हो, जहां पर भी हो, जिस स्थिति में हो, आप मेरे को यहां पर फौरन जल्दी से जल्दी लेने आइए, नहीं तो आप मेरा जिंदा मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन क्या करे, और पिता लाचार था। पिता ने सोचा आखिर ऐसा क्या हो गया कि 8 ही दिन अभी बीते और इस 8 दिनों में इतना सब बिगड़ गया। मैंने इतनी धूमधाम से अच्छा खासा दहेज दे करके, सामान दे करके, सब कुछ अच्छे से दे करके मैंने अपने बेटी की शादी की थी। शायद अगल बगल में इतना कोई अच्छे से धूमधाम से शादी नहीं की, और 8 दिन में ही आखिर वहाँ से ऐसी क्या बात बिगड़ गई कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है? पिताजी आप जैसे भी हो कैसे भी हो, आइए जल्दी आइए, मेरे को इस नरक में अब 1 सेकंड नहीं रहना है। बेचारा लाचार पिता अपनी बेटी की इस बात को सुन करके अपनी बेटी को घर पर जाता है। देखिए लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। लड़कियों की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, उस पिता को निभानी पड़ती है। लड़की या जो होती हैं वे चाहे तो अपने घर को बना सकती है, अपने घर को बिगाड़ सकती हैं। लेकिन लाचार पिता जब उसके घर पर जाता है तो उसके कोई खातिरदारी नहीं होती है, कोई से पूछता नहीं है। ससुर सामने बैठा हुआ रहता लेकिन कुछ नहीं बोलता है। दामाद यूं बाजू से निकल जाता, कुछ बोलता नहीं, कोई जय जनेंद्र भी नहीं करता, कोई प्रणाम भी नहीं करता, कोई पानी पीने तक नहीं पूछता है। देखिए एक लड़की चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लड़की की वजह से, अपनी बेटी की वजह से उस पिता को ऐसी इज्जत होती है, ऐसा सम्मान होता। अगर वह बेटी अच्छा होती, ऐसा काम करती तो शायद आज उसके पिता का अच्छा खासा सम्मान होता। लेकिन उसकी बेटी के वजह से उसके माँ बाप, उसके पिता का सर जो झुक गया, उसके पिता को सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। वह पिता अपनी बेटी के कमरे में जाता है, कहता बेटी आखिर 8 दिन में ऐसा क्या हो गया, यहां पर क्या चीजें बिगड़ गई, मैंने तो इतने अच्छा से धूमधाम से शादी की थी। लेकिन याद रखिएगा बेटी के एक गलत व्यवहार से तुम्हारे माँ बाप को ससुराल में अपमान हुआ करता है। लेकिन यदि बेटियां अच्छा काम करें तो बिल्कुल ही उनके माँ बाप का सम्मान हमेशा बना रहता है। पिताजी ने कहा बेटी थोड़ा कम से कम पानी तो पीने के लिए ला दो, मेरे को प्यास लगी है। बेटी ने कहा पिताजी इस घर का पानी मत पीजिएगा, इस घर के पानी में जहर घुला रहता है, पानी मत पीजिएगा। अच्छा ऐसी बात है पिताजी? पिता ने कहा अपनी बेटी से, बेटी अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं चलना है अपने घर पर चला जाएगा, लेकिन एक बार तुम्हारी सास उसे पूछ ले कि हाँ ले जा रहे अपनी बेटी को। लड़की बोली अरे उस डायन के पास जाएंगे, बिल्कुल मत जाइए, मेरे को किसी से कोई पूछना उछना की बात नहीं, आप यहाँ से अब भी चलिए अब भी, मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद है। वो तो सारी ऑलरेडी ही बैग पैकेज करके रख चुकी थी। लेकिन पिता कहता है कि बेटी एक बार तो पूछ लेने दो। और पिता सास के पास जाता है और कहता है बहन जी मैं आया हूँ। सास बोलती हाँ देख रहे हैं मैं आया हूँ, आया है बड़ा, आया हूँ आया हूँ। अरे ऐसी ही बेटी तुमने भेजी थी, मेरे को ऐसी बेटी नहीं चाहिए। तो बहन जी अपनी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ। अरे तू कल के ले जाने वाले, तू अभी ले जा, तुरंत ले जा, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी बेटी, और ले जाना आज के बाद दोबारा इस घर में कभी भेजना मत, इसके लिए इस घर में सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाए। सुबह 8 बजे सो करके उठती है, बना बनाया खाना खाती है, ऐसा ही है ना, तो किसी का एक बात मुझे बर्दाश्त कर सकती, तुरंत जवाब देती है। क्या ऐसी ही बेटी तुमने भेजी थी, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी बेटी, ऐसी बहू से रहना मेरे के लिए बिल्कुल बस के बाहर है, नहीं चाहिए ऐसी बहू। पिता लाचार पिता वहां से तुरंत आता है और अपनी बेटी का बैग उठा करके गाड़ी में रखता है। उसके दरवाजे पर सब लोग बैठे रहते, ससुर भी रहता है, देवर भी रहता है, लेकिन कोई उसे कुछ यूं नहीं बोलता है। बेचारा पिता का अपमान इतना हो रहा है,
वह कुछ समझ नहीं पा रहा आखिर ऐसा क्या क्यों, आखिर 8 ही दिन तो बीते इतना कैसे हो गया। वह लगातार पिता अपनी बेटी को बैठा करके गाड़ी में ले जा रहा था। रास्ते में एक जगह गाड़ी रोक देता है और कहता है कि बेटी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बेटी ने कहा हाँ पिताजी बोलिए। तो पिता ने कहा कि अच्छा तुम जो है अभी 8 ही दिन बीते, आखिर इतने ही दिनों में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि घर में किसी का व्यवहार ठीक नहीं है क्या। लड़की ने कहा नहीं पिताजी किसी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। पिता ने कहा कि आखिर जो तुम्हारी सासू है वो सासू कैसी है। सासू, अरे सासू तो बिल्कुल वो डायन है, डायन चुड़ैल, वो जो ससुराल है ना बिल्कुल मेरा ससुराल तो नरक है पिताजी, और सास की तो पूछिए मत, बिल्कुल ही डायन है, चुड़ैल है चुड़ैल, हर समय उसी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। अच्छा ससुराल नरक, सास डायन चुड़ैल, और वो ससुर तुम्हारा कैसा है। पिताजी ससुर की तो बात ही मत कीजिए, साक्षात वह राक्षस है, राक्षस हर समय घूरता रहता है। अच्छा ससुर राक्षस, और जो तुम्हारा जेठ है वो कैसा है। लड़की बोलती जेठ एक नंबर का धूर्त मूर्ख है, और वो तुम्हारा देवर, देवर पिताजी ऐसा देवर तो आज तक हमने देखा नहीं, एक नंबर का आवारा बदमाश लुच्चा लफंगा, देवर बदमाश जेठ धूर्त ससुर राक्षस सास चुड़ैल। अच्छा वो तुम्हारी ननद कैसी है। ननद पिताजी उसकी तो बात ही मत करिए, एक नंबर की चुगलखोर है, इधर का बात उधर शेयर करती, वही तो दोनों सास और ननद मिलकर के हमारे घर में जीना बेहाल कर देते, हर चीज चुगलखोरी करती है। और वो जिसके साथ तुम 7 फेरे ली थी तुम्हारा पति, वो कैसा है। पिताजी उसकी तो बात ही मत करिए, उस साक्षात यमराज है, हर समय मेरे को परेशान करता रहता है, उसकी तो मैं उसके साथ अब बिल्कुल एक समय एक सेकंड नहीं रह सकती। पिताजी आपने अच्छा किया आपने यहाँ पर मेरे को ला दिया, अब मैं दोबारा ससुराल तो जाऊंगी ही नहीं, कभी नहीं जा सकती पिताजी, मैं अब चलिए आपके घर पर अपने घर पर रहूंगी। पिता ने कहा कि बेटी टेंशन मत लो, अरे अगर कुछ हो जाता है तो मैं हूँ ना अपने घर, जिंदाबाद है हमेशा रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटी एक और बात बताओ कि जो तुम्हारे पड़ोसी थे वे कैसे हैं। बेटी ने कहा पिताजी पड़ोसी, पड़ोसी तो बिल्कुल ही यललबी हैं, यललबी समझे नहीं, लुच्चा लफंगा बदमाश, उन पड़ोसियों की बात। अच्छा पिता ने सोचा कि अच्छा एक घर में सारे के सारे लोग कैसे इतने बुरे हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं, कोई तो जरूर अच्छा होगा। पिता समझदार था, पिता समझ गया कि परिवार में इसके हिसाब से एक भी सदस्य ठीक नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गड़बड़ी उस ससुराल में नहीं है, गड़बड़ी मेरी बेटी में है। मेरी पत्नी हमेशा कहती थी कि अपनी बेटी को सुधार लीजिए, इतना लाड़ प्यार मत करिए, लेकिन मैंने इतना लाड़ प्यार दिया जिसके वजह से आज बेटी को ऐसा भुगतना पड़ रहा है, और आज मेरे को ऐसा मेरा अपमान हुआ, ये सब मेरी गलती है, इतना लाड़ प्यार यदि नहीं करता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। बेटी को पिता अपने घर पर ले जाते हैं। भाभी ने देखा लो आ गई देवी जी, ससुराल में नहीं खपी, अभी 8 ही दिन बीते हो गया नहीं चला। वह 1 दिन 2 दिन 3 दिन ससुराल में बेटियों की इज्जत होती है, लेकिन वही बेटियां पीहर में हमेशा के लिए रहने लगेंगी तो 2-4 दिन ही तो इज्जत होंगे, उसके बाद से मायके में कोई इज्जत नहीं होती है, काम करो खाना खाओ। लेकिन जब भाभी को पता चल गया कि अब ये हमेशा यहाँ पर रहने वाली है, यही मेरी छाती पर बैठ करके दाल धरेगी, मैं बनाऊंगी ये खाएगी, अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। उसने कहा कि देखिए अब कुछ नहीं होने वाला, अब काम करिए तब जाके कुछ मिलेगा, हम नहीं जगह पर चाय देने वाले हैं, जगह पर सब कुछ दे रहे, अब मैं कुछ नहीं दूंगी, अपने ससुराल बस कुछ ही दिन नहीं खप पाई और यहाँ पर चलिए मेरे छाती पर दाल तरने। उस बेटी ने कहा भाभी आप तो ऐसा पहले नहीं थी,
इतना अभी 8 ही दिन बाद आपके व्यवहार में इतना अधिक बदलाव, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन क्या करें, बस कुछ ही दिनों मायके में पीहर में इज्जत मिलती है। याद रखिएगा, पीहर से डोली उठना और ससुराल से अर्थी उठना ही एक बेटी की भलाई होती है, उसी में शान होती है। लेकिन वह तो बेटी घर पर चली आई तो भाभी क्या इज्जत करेगी। वह सोचने लगी कि भाभी के व्यवहार में इतना बदलाव, आखिर इतना कैसे। अगले दिन वह मंदिर गई जाती थी, 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गई। अब तो मंदिर में जो लोग आते उन्हें परेशानी होने लगी कि अभी जाएगी नहीं क्या, यहीं पर रहेगी क्या, क्या उसके पति ने छोड़ दिया। उसकी सहेलियां मिलती तो पूछती, क्यों जीजा जी कैसे हैं, जीजा जी फोन उन किए। अरे यार, जीजा की तो बात ही मत करो, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, वह मेरी रातों का नींद जो बर्बाद कर देता। लोग हर तरीके से एक ही चीज पूछ रहे हैं, रिश्तेदार, अभी तो 3 ही महीने बीते थे कि अगल बगल मोहल्ले में हर तरफ चर्चा होने लगी, अरे सेठ जी की बेटी है ना, उसके लग रहा है पति ने छोड़ दिया है, उसका पति फोन नहीं करता है, कोई उसका खोज खबर नहीं लेता है। बेचारा कोई भी घर पर रिश्तेदार आता, किसी पार्टी में जाती, कोई दोस्त मिलता, कोई सगे संबंधी मिलता तो पहला सवाल यही होता, क्यों बेटी तुम्हारे पति जी कहाँ हैं, क्यों जीजा जी कहाँ पर हैं, जीजा जी फोन उन किए। अब तो जैसे ही जीजा जी का नाम लिया जाता इसका चिढ़ हो जाता। जिधर उसके वजह से उस लड़की ने ना तो अब घर से बाहर निकलती, ना मंदिर जाती, ना अगल बगल, ना पार्टी में जाती, क्योंकि सब तरफ से एक ही सवाल आते, क्यों कोई लेने नहीं आ रहा है क्या, अरे उनका हालचाल छोड़ दिए क्या, तलाक देने की तैयारी हो रही है, अनेक प्रकार के, अगर अनेक प्रकार के ऐसे बातें होने से अगर किसी का घर बस जाता है तो हम अपने मोहल्लों वालों से, और ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मोहल्लों वालों को मैं हमेशा कहूँगा कि आप कि अगर बगल में अगर किसी के साथ ऐसा हो तो बार बार ऐसे टोका करिए, ताना मारा करिए, शायद उस लड़की का बिगड़ा हुआ घर, उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। अगर ऐसे टोकने से तो ऐसे मोहल्ले वालों को जरूर टोकना चाहिए। लेकिन अब वह बेटी घर से तो बाहर निकलना ही बंद कर देती है। एक बार वह बेटी निराश होकर के छत के पर बैठी हुई थी। पिताजी को ये सब बातें पता चले थी कि अगल बगल के मोहल्ले वाले ताना मारे, उसे सुनाई दे रहा है और सुन रही तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। 3 महीने बीत गए, 3 महीने के बाद जब वह छत पर बैठी हुई थी तो पिता ने अपने बेटी से पूछा, बेटी तुम इतनी दुखी क्यों बैठी हुई हो? बेटी ने कहा, पिताजी यहाँ पर तो लोग जिधर जाते उधर जाते, बस पहला सवाल एक ही होता, क्यों जीजा जी कहाँ हैं, पूछने नहीं आ रहे, क्या फोन आए किया कि नहीं किया, अरे उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। उस पिता ने कहा, बेटी अगर एक उपाय करो तो क्या दोबारा तुम ससुराल जाना चाहोगी? बेटी ने कहा, हाँ पिताजी क्यों नहीं, लेकिन आखिर उपाय क्या है? पिता ने कहा, बेटी इस नगर में एक जो है बहुत ही पहुंचे हुए साधु महाराज आए हुए हैं और उनसे मेरी तुम्हारे बारे में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अपनी बेटी को कुछ ऐसा उपाय मैं बता रहा हूं, उसको बस कर देना, उसके बाद से ससुराल उसकी मुट्ठी में हो जाएगी। ससुर तो तुम्हारे इशारे पे नाचेंगे, तुम्हारा पति जो कहोगी वही करेगा, अरे सास तुम्हारी पैर छुएगी। पिताजी ऐसा? अरे मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ पिताजी, बताइए क्या है? अरे अगर ऐसा हो जाए तो बस मैं तो अवश्य ही जाना चाहूंगी। उस पिता ने कहा, बेटी ये सब काम हो जाएगा लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। याद रखिएगा, आजकल की जो बेटियां होती हैं ससुराल जाते ही चाहते हैं कि घर की तिजोरी का चाबी मेरे हाथों में आ जाए, पूरा घर मेरे इशारे पर चलने लगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको अपना कर्तव्य दिखाना ही पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे सब कुछ काम होते हैं। उस पिता ने कहा, बेटी बाबा जी ने बहुत एक बढ़िया मंत्र दिया है, बस उस मंत्र का तुम्हें जाप करना है। उस बेटी ने कहा, पिताजी देखिए मेरे से मंत्र का जाप नहीं हो पाएगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तो पिताजी ने कहा, देखो बेटी अगर तुम मंत्र का जाप नहीं कर सकती हो, जो ऐसा साधु बाबा ने जो कहा है मंत्र का जाप मैं कर लेता हूं और उसका साधना तुम्हें करना होगा।
बस 6 महीना बस इस काम को करना है, उसके बाद देखना तुम्हारा ससुराल तुम्हारे मुट्ठी में होगा, सब लोग तुम्हारे उंगली पर नाचेंगे, तिजोरी का चाबी तुम्हारे हाथों में रहेगा। सच्ची पिताजी, बस 6 महीना? हाँ 6 महीना। साधना तो पिताजी, साधना क्या करना है? पिता ने कहा बेटी बस 6 महीने अपने मुख को बंद करके रखना है, किसी का उल्टा जवाब नहीं देना है, सहना है बस 6 महीने, उस बात को सही जवाब देना है, शांति से काम लेना है, किसी को गुस्सा करके नहीं बोलना, अकड़ना नहीं है। बेटी ने कहा बस पिताजी 6 महीने? हाँ 6 महीने बेटी, 6 महीने के बाद तो तुम्हारे ससुराल मुट्ठी में होगा, पति तुम्हारे सारे पर नाचेंगे, सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, घर की मालकिन बन जाओगी। तो बेटी ने कहा ठीक है पिताजी। पिता ने ऐसा कह करके बेटी को फिर से ससुराल लेके जाते हैं। जब बेटी पीहर से ससुराल में जाती है, दरवाजे पर वहाँ पर सास ससुर बैठे होते हैं, सोचते हैं देखते हैं लो ये फिर से आ गई, घर में गई, पति ने देखा ले फिर से कलमू ही आ गई, घर तो कितना सुकून से चला था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अब फिर से ये कलमू ही आ गई। जैसे ही उस पति ने कलमू ही कहा और ये सुन लिए, इसका तो गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा, इसके गुस्सा का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अंदर ही अंदर सोचा घबरा ना, बस 6 महीने की बात है, ये पिताजी के यदि वचन नहीं दिए होते, मंत्र नहीं जप रहे होते तो अभी मैं तुमको जवाब देती क्या होता। लेकिन जैसे ही घर में उसके पति ने ऐसा बात बोला, वह पति का पैर छूने गए, पति अचंभित हो गया कि पैर छू रही है, लेकिन चल ठीक है ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, घर में सभी लोग गए, उस पिता ने सास उसे कहा बहन जी अपनी बेटी को लाए हैं। सासू ने कहा अरे बेटी को क्यों लाए हो, अब फिर से मेरा जीना हराम कर देगी, अरे नहीं चाहिए ऐसी बेटी, ले जाओ बेटी को, इतने दिनों से हम लोग कितने सुकून से थे। उस पिता ने कहा बहन जी बस लास्ट एक मौका दे दीजिए, बस इस बार मेरी बेटी सुधर गई है। अरे वो क्या सुधरेगी, वो कभी सुधरने वाली नहीं है, क्या करने के लिए लेकर रखा है, वो नहीं सुधरने वाली, किसी का एक बात जो सहति नहीं है वो क्या सुधरेगी। लेकिन पिता ने कहा कि बस बहन जी एक मौका दे दीजिए, मेरे आपसे विनती है बस एक मौका दे दीजिए, किसी को सुधरने का एक मौका तो दिया जाता है, बहन जी आप एक मौका दे दीजिए। सास ने कहा ठीक है चल ठीक है एक बार रहने दो। पिता चला गया। अगले दिन सुबह उठ करके आई और घर में सभी लोग सास ससुर बैठे हुए थे, सुबह उठते ही पति के पैर छुए, जैसे पति के पैर छूती है तो देखता रही ये क्या बात है, पति के पैर छू रही है। उसके बाद से आती है सासू के घर में, तो वहां पर जो है सासू का पैर छूती है, सास का जैसे पैर छूती तो सासू तो देख करके अचंभित हो जाती, मेरा पैर छू रही है, मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरा पैर क्यों छू रही है। अरे सास माता जी मम्मी जी आप मेरे को बढ़िया आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वह कहती है, और घर सुखी शांति से चले ऐसा आशीर्वाद देती है, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए कहती है। लेकिन वह सासू तो अचंभित बेचारी सी में रहती कि पैर छू रही है। अरे मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता फिक्र मत करिए, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि घर में सुख शांति बना रहे। सास कहते चल चल ठीक है ठीक है। कुछ देर के बाद किचन से खटपट खटपट की आवाज आती है, तो सासू कहती कि देखो अपनी बेटी से कहती है सास अर्थात ननद से कि जाओ देखो ये किचन में बिल्ली उल्ली घुस गई है का। वह ननद जाकर के देखती है और आती कहती है मम्मी वो घर में कोई बिल्ली नहीं है, अरे वो अपनी बड़ी वाली बिल्ली है, वही बहू बहू भाभी है। क्या बात करे किचन में इतना सवेरे खाना बना रही है, अरे नाश्ता तैयार कर रही है अम्मा। नाश्ता तैयार करके सबको, सास को जेठ को देवर को ससुर को देती है। नाश्ता करने के बाद
एक गिलास को पानी ले जा रही होती, तब तक रास्ते में उसका पैर से ठोकर लग जाता है और वो कांच का गिलास जो है जमीन पर गिर करके टूट पड़ता है। ससुर जैसे देखता, ले आ गई घर में तोड़फोड़ करने, आते गिलास फोड़ दिया ना, अब तक कितना घर शांति से चल रहा था, अरे क्यों चली आई गिलास तोड़फोड़ करने। अंदर ही अंदर सोचती है, अगर पिताजी मंत्र नहीं पढ़ रहे थे तो बुढ़े एक गिलास तेरे सर पर फोड़ती। उसका गुस्से का ठिकाना नहीं, वो जवाब तो देना चाहते थे लेकिन क्या करे, पिताजी मंत्र पढ़ रहे ना, बस 6 महीने की बात है बुढ़े, 6 महीने बाद तो मैं तेरा वो हस्तखत घर से बाहर निकाल दूंगी बुढ़े, ऐसा ही मन में सोचती है। उसके बाद से धीरे धीरे रोज यही काम करती, सुबह उठती, देवर का ख्याल रखती, बहन जो ननद थी उसके साथ हंसती खेलती बोलती, उससे प्रेम करती, जो घर में सारी समान चीजें उससे शेयर करती, धीरे धीरे घुलने मिलने लगे। लेकिन कभी कभी कुछ बुरा भी बोलते तो बस वह यही सोचती कि बस ये 6 महीने का ड्रामा है, 6 महीने बाद तो बस इन लोगों को उंगली पर नचाएंगे। अभी तो 1 ही महीने हुए थे, 1 महीने बाद बिल्कुल ही घर बदल गया, वो सबसे प्रेम करने लगती, सासू के मन में विचार आ जाता है, यहां लग रहा है मेरी बहू बदल गई है। एक बार जो है 1 महीने बीत गए रहते, सासू जो अपने बहू को बुलाती कहती, बहू थोड़ा इधर आओ। बहू आती है, कहती है कि तू ये पहले वाली ही बहू है कि कोई दूसरी है, क्या मम्मी जी आप ऐसी बातें करें, या कोई जुड़वा बहन हो कि जो एक नहीं दूसरी वाली है। मम्मी जी आप ऐसा बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए, मैं वही हूँ, मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचती है कि बस 6 महीने, 6 महीने के बाद तो तुम लोगों को उंगली पर नचाएंगे। लेकिन पहले महीने तो परिवार वाले जितने भी थे, सास ससुर सबकी जो है दिमाग में कुछ अच्छा अच्छा विचार आने लगा उस बहू के प्रति। अब तो सास कहीं पर भी जाती बाहर से तो अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आती, कहीं दूसरे जगह तीर्थ पर जाती, लंबी यात्रा पर जाती तो अपनी बहू के लिए एक साड़ी जरूर लाती। ससुर यदि मार्केट जाता तो कभी कभी हमेशा कुछ ना कुछ अपनी बहू के लिए जरूर लाता था, कभी मूंगफली ला देता तो कभी रसगुल्ले ला देता, कभी गुलाब जामुन ला देता, कभी कुछ ना कुछ ला देता। अब तो वह बहू अपने ससुर का इंतजार करती थी कि आज ससुर जी देर हो गए, क्यों आज पापा जी आए नहीं क्या, अरे पापा जी को वह नहीं इंतजार करती है, वह गुलाब जामुन का इंतजार करती है। मेरे सभी बुजुर्गों, यदि आप भी अपने घर में इज्जत पाना चाहते हैं तो अपने घर में बहू के लिए कुछ कुछ ले जाया करिए, टाफी ले जाया करिए, गुलाब जामुन ले जाया करिए, रसगुल्ले ले जाया करिए, कभी मूंगफली ले, कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाया करिए, तब आपके घर में इज्जत सम्मान होगी। वो बहू आपका इंतजार करेगी, लेकिन याद रखिएगा वो बहू आपका इंतजार नहीं करती है, वो बहू तो गुलाब जामुन का इंतजार करती है। उसके बाद दिन पर दिन उनके परिवार में पूरा सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो झगड़े सारे के सारे खत्म हो गए। दूसरे महीने उस बहू का भी विचार बदलने लगा, अब तो उस सासु से प्रेम होने लगा, वह जो ननद थी उस ननद को अपना बहन जैसे, छोटी बहन जैसे उसे प्रेम करती है। वह देवर जिससे भाभी भाभी किया करता, किसी भी काम को करता तो भाभी से पूछ करके करता, तो उसका पति उससे बिना पूछे कुछ काम करता ही नहीं, बताओ प्रियवर ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, जेठ भी यहाँ तक ही उसकी सलाह लेने लगा। ससुर तो कहता जो मेरी बहू कहेगी वही काम होगा, सासू कहने लगी मेरी बहू जो कहेगी खाना बनने के लिए वही बनेगा। एक दिन सासू ने, 2 महीने बीत गए थे और सासू ने बहू को बुलाया, कहा बेटी देखो आज से ये तिजोरी की चाबी है और सारे घर की चाबी है, लो अब तुम्हारे हवाले, अब तुम इस घर की मालकिन रहोगे, मेरी उम्र बीत गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। वो सास जो है अपने सभी बेटों को सभी को बुलाती और कहती देखो आज से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी बहू को होगा, पैसा कमा के लाना चाहे कोई भी लाना मेरे बहू के हाथों में रखना, कुछ भी काम करना बहू से पूछना, घर में क्या खाना बनेगा बहू से पूछना, ये जो कहेगी वही होगा, ये मेरे घर में लक्ष्मी आई है लक्ष्मी, बिना इसके घर तो अब तो बिल्कुल ही सूना लगेगा, मेरी बहू है,
नौकर को पैसा देना होगा। इसी से पूरा घर का रेख देख सब कुछ, पैसा कमा के लाना, लेन देन सब कुछ काम बिना बहू से पूछे कुछ नहीं होगा। जैसे ही बहू ने इस बात को सुना और तिजोरी की चाबी पाई, कही बस बस लाइए मम्मी जी, जल्दी से मेरे को दीजिए, अब तो मेरे को यही चाहिए था, अब तो मेरी हाथ में तिजोरी की चाबी आ गई। लेकिन वह अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अब तो सब लोग मेरे इशारे पर नाच रहे हैं, मैं जो कहती वह होता, सब कुछ, ससुर भी, पति भी, देवर भी, सब लोग। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बिल्कुल ही बदलाव हो गया था, अब तो अपने परिवार से प्रेम हो गया था। कुछ दिन बीते, रक्षाबंधन का दिन आया। जब रक्षाबंधन का दिन आया, भाई आया बहन को लेने। जब भाई बहन को लेने आता है तो कहती दीदी रक्षाबंधन आया, चलो घर पर राखी बांधना है। वह उसकी बहन क्या बोलती है कि जाओ एक बार अम्मा जी से पूछ लो। दीदी ये तुम क्या कर रही हो, अम्मा जी से मैं क्यों पूछूं? नहीं नहीं, एक बार तुम जाओ अम्मा जी से पूछ लो, अगर वह परमिशन देती है तभी मैं जाऊंगी। वह उसका भाई जाता है सासू जी के पास और पूछता है, अम्मा जी अपनी दीदी को ले जाने के लिए आया हूँ, रक्षाबंधन है। क्या मेरी बहू को ले जाने के लिए आए हो? बेटा लेकिन मैं मना तो नहीं कर सकती, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन का ही त्यौहार होता है, लेकिन मेरी बहू जो ना बेटा साक्षात लक्ष्मी है, मेरी बहू अगर घर से चली जाएगी तो बिल्कुल ही अच्छा हम लोगों को नहीं लगेगा, उसके बिना एक पल भी अब रहना घर में अच्छा नहीं लगता। बेटा जाना जरूर लेकिन अगले दिन ही छोड़ देना। ऐसा कह करके जब वह अपनी बहन को घर से ले जा रहा था, रक्षाबंधन के लिए भाई अपने घर पर ले जा रहा था, ससुर कहता है कि बेटा ले जा रहे हो लेकिन मेरी बेटी को रक्षाबंधन के अगले दिन ही छोड़ देना, क्योंकि मेरा मन जो 1% भी घर पर लगता नहीं, जब तक मैं उसको देखता नहीं हूँ वो मेरे को, मेरे घर का काम कौन करेगा, आखिर ये हम लोगों का देख रेख कौन करेगा, मेरे घर की लक्ष्मी है बेटा, एक दिन से ज़्यादा मत रखना। जब वह बहू घर से जाती है तो देवर भाभी भाभी करता रहता, भाभी क्यों जा रही, जल्दी आइएगा भाभी, ननद की आंखों में आंसू की मेरी भाभी जा रही है। वह भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को अपने घर पर ले जाता है, और जब घर पर ले जाता है तो पिता उसको बहुत ही हंसता खिलता दिखता है। तो पिता उससे पूछता है शाम के समय, बेटी अब तो सब कुछ ठीक ठाक है? बेटी कहती हाँ पिताजी बिल्कुल ही, मेरा घर, मेरी सास, मेरे ससुर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी कोई बात है? कहा नहीं नहीं मुझसे कोई बात है, तुम ठीक ठाक, बस यही मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो तुम साधना करने का था कर रही हो कि नहीं? कर पिताजी बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ बेटी कि जो तुम्हारा ससुराल वो नरक ससुराल था वो कैसा है? पिताजी मेरा ससुराल नरक? नहीं पिताजी आप बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, आपको समझने में फेर है, पिताजी मेरा ससुराल नरक नहीं है, वो स्वर्ग है, और जो तुम्हारी वो सास जो है डाइन थी वो चुड़ैल। पिताजी आप मेरी सास को डाइन बोल रहे हैं, चुड़ैल बोल? पिताजी देख लीजिए आप बहुत बुरा कर रहे हैं, मेरी सास जो है डाइन, मेरी वो माँ है, मेरे इतना प्यार तो मेरी मम्मी भी आज तक नहीं की जितना प्यार मुझसे करती हैं, और जो तुम्हारा ससुर राक्षस था, पिताजी राक्षस मेरे ससुर नहीं है, आप उतना प्यार आप उतना केयर आप कभी नहीं किए हैं पिताजी, वह मेरा जितना प्रवाह करते हैं, और जो तुम्हारा जेठ था धूर्त मूर्ख, पिताजी आप मेरे घर के लोगों को ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिताजी मत कहिए, बिल्कुल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वह मेरे बड़े भाई के समान है, हर तरफ से बिना हम लोगों से पूछे हुए कुछ काम ही नहीं करते, बहुत हम लोगों को मानते हैं पिताजी, ऐसा मत कहिए। और जो तुम्हारा देवर जो आवारा था पिताजी, वैसा इंसान तो आपको बिल्कुल खोजने पर ही नहीं मिलेगा, वैसा देवर तो बहुत ही किस्मत वाले को मिले, लेकिन पिताजी आप मेरे घर वालों को प्लीज ऐसा मत कहिए, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए पिताजी, ऐसा मत कहिए। क्यों? अरे वो जो मेरा देवर है हर समय भाभी भाभी किया रहता है, कुछ भी पूछना रहता तो भाभी बता कैसे होगा, और मेरे कितना प्यार, छोटा भाई लक्ष्मण जैसा है,
और जो तुम्हारी ननद एक नंबर की जो चुगलखोर थी। पिताजी आप मेरे को क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे परिवार वालों को ऐसा मत कहिए पिताजी। मेरी जो ननद है, अब पता चलता है कि घर में एक छोटी बहन का रहना जरूरी है। वो मेरी ननद है, मेरी छोटी बहन, जैसे मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ पिताजी। वो भी मुझसे हर समय भाभी भाभी के हम दोनों लगे एक पास में रहते, मेरी सहेली के जैसे रहती पिताजी। और वो जो तुम्हारा साक्षात पति यमराज, पिताजी अब बहुत हो गया, अब समझ जाइए, अभी मैं चल जाऊंगी, अभी मैं यहाँ से चल, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। मेरे पति को तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, जैसा भी है, बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है, भला है, लेकिन मेरा पति ही मेरा भगवान है पिताजी। पिताजी आप ऐसा मजाक मत करिए पिताजी, मेरे परिवार वालों को ऐसा मत करिए। अच्छा, और जो बेटी एक और बात बता, जो तुम्हारे पड़ोसी थे एलएलबी लुच्चा लफंगा बदमाश, पिताजी वैसा पड़ोसी तो आज तक अगल बगल में कहीं नहीं हो गया। हर तरफ से हमारी बड़ाई करते, हमारी सराहना करते, हमारी चीज़ों को ही देख करके वे सब अपना भी काम करते। पिताजी ऐसा पड़ोसी तो यहाँ पर भी नहीं है। वह जैसे ही यह बेटी इतना बातों को कहती है, वह पिता अपनी बेटी को छाती से लगा लेता है, कहता बेटी तुमने धन हो गई, आज मेरे को विश्वास हो गया कि तुम्हारा घर बस गया। वही जो ससुराल तुम्हारे लिए नरक था, वही प्रत्येक परिवार का एक एक सदस्य तुम्हारे लिए ठीक नहीं था बेटी, लेकिन आज तुम्हारा घर बस गया, आज तुमने मेरा छाती गर्व से फूल गई। याद रखिएगा कि एक बेटी के वजह से एक माँ बाप का अपमान हो जाता है, लेकिन यदि अपनी जुबान को कंट्रोल कर लें, यदि किसी का जवाब नहीं दे, तो वह घर जो स्वर्ग जैसा बन जाता है। लेकिन बेटी की आंखों में आंसू आकर के उस पिता के आंखों में भी आंसू आ जाते, खुशी के आंसू बहने लगते उस पिता के आंखों से कि मेरी बेटी का घर बस गया, आज मैं अगर मर भी जाता हूं तो मेरे को परवाह नहीं, क्योंकि आज मेरी बेटी का उजड़ा हुआ घर बस जाए। बेटी पूछती पिताजी आप रोइए मत, लेकिन ये पहले बताइए कि आखिर वो साधु बाबा ने कौन सा मंत्र दिया था, कौन सा चमत्कार किया था कि अभी तो 2 ही महीने बीते हैं और इतना असर पड़ा कि पूरे परिवार का परिवार ससुराल मेरी मुट्ठी में हो गए। और जो पिता कहता है बेटी कोई मंत्र उंत्र नहीं था, मैंने कोई मंत्र उंत्र नहीं जाप किया बेटी, ये सब तुम्हारी साधना का फल है। अगर तुम साधना नहीं करती तो आज तुम्हारा ससुराल स्वर्ग नहीं बनता। आज ससुराल में सब लोग तुम्हारे ही बारे में बात करते, तुम घर की लक्ष्मी बन गई हो, ये बस उस साधना का फल है बेटी। तो बेटियां ऐसी होती हैं, तो बेटियां चाहें यदि अपना जुबान बस कंट्रोल कर लें, क्योंकि जुबान की वजह से ही ससुराल बिगड़ जाते हैं, सास में झगड़ा हो जाता है, ससुर के साथ अच्छा नहीं बनता, पति के साथ झगड़ा हो जाता है, ये सब जुबान का कमाल है, जवाब दे देते हैं। यदि बेटियां अपने जुबान को कंट्रोल कर लेता तो उसका उजड़ा हुआ भी घर बच जाता है। ऐसी होती हैं बेटियां। और ये जो जुबान, ये जो मुख है, ये जो एक एक शब्द जो निकलते हैं, इस शब्दों का माया जाल, जो यदि आप अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, आप किसी अच्छे इंसान को भी बुरा बना सकते हैं और बुरे इंसान को अच्छा बना सकते हैं, बस इस शब्दों के माया जाल से। बस अच्छा शब्द को यूज करेंगे तो आप दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों का कमाल होता है कि दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, घर में भाई भाई की दुश्मनी हो जाती है। और इसी जुबान के वजह से हर एक बहू का उजड़ा हुआ घर भी बच जाता है, लेकिन वह जुबान पर कंट्रोल कर लें।